केस तो जो है से कटाइए गले गोले गोले ट्रेन फ्रेस वाला भी रोड कट गले है। प्लस में कि मरनी जीनी आने जाने वाला रास्ता बहुत दिक्कत हो रहा है। गरीब लोग तो भूखा मारे लाइए है। खेत बाड़ी ट्रेन चुन कटाइए गले अब वन विवाह लगे जितने मगर कम से कम वन विवाह के रोड भी देना चाहिए। अब रास्ता रोड से टका गले तो आदमी मरनी जीनी एकदम बिल्कुल एकदम वही रास्ता से है। जीना भी मरना भी सब वही रास्ता से गुजर रहे लोग तो गरीब लोग जाए कहाँ। और साथ ही कारण खातिर सारे लड़ाई झगड़ा यही रोड खातिर होले सात गो जो कि जेल में बंद है। पकड़ के ले जा करके बंद लोग कर ले तीर खींच करके कुछ नारी भी पीटा है कुछ पुरुष भी पीटा है पूजा है और मारपीट करके ले गया सात आदमी के। फौजी लेके गया यहाँ से चार गाड़ी गया है और सब जब महिला वहाँ से निकल गया था कहूँ बारात उरात में तब तक कुछ महिला बाकी बची खुची थी। महिला लोग आई और वहाँ पुरुष पुलिस प्रशासन गेल था और पकड़ के महिला लोग के पिटाई किया है। कुछ जेंट्स लोग के चार पांच को पाया उसको पकड़ के डाल लिया गाड़ी में छः आदमी के गाड़ी में डाल लिया है और वहाँ पर ही मारपीट किया है और ले आना है। और हम लोग के कहना है कि हमारे पूर्वज से रहा है हमारे जल जंगल जमीन हमारा है हम जान देंगे जमीन नहीं देंगे और नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे घर जो छोड़ाएगा जो हमारे खोंधा के उजारेगा उसको खुद उजारने के काम हम कल करेंगे। आज हम आए हैं हम अपने स्तर से कि हम बाप दादा कह के हमारे पूर्वज निभा है। हम यहाँ भारत और पाकिस्तान के लड़ाई नहीं लड़ने आए हैं। हम सीमा पार के लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हमारे हम उग्रवाद नहीं हैं। हमारे वन विभाग के जाके उग्रवाद गया बंदूक लेके गया और वहाँ गरीब के मारपीट किया है लाठीचार्ज किया है। हम उग्रवाद नहीं हैं। जो हम लोग के गरीब के आज जुलूम किया और ज़मीन छीनने के काम किया है जाके जैसे भी से कटवाया है और फिर वहाँ से महिला लोग के मारपीट करके यहाँ से उठा के ले आना है छः आदमी के। जो छः आदमी के यहाँ से जल्दी वल्दी हम लोग आ ही रहे हैं तब तक यहाँ से अरेस्ट कर दिया है जो चल गया जेल। कहाँ का मामला कि सिक्कित सुरक्षित वन में हम लोग कैंपा योजना के तहत वहाँ वनरोपण का कार्य चल रहा है तो वहाँ हम लोग का पीट किया हुआ था कंटूर किया हुआ था। ये लोग अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से वो पीट और कंटूर को भर रहा था और ज़मीन को कब्जा करने जा रहा था। इसी के तहत हम लोग वहाँ से सात आदमी को पहले हम लोग मना किए वो लोग नहीं माना। वो लोग का उद्देश्य था कि हम लोग इसमें जोत खोड़ करेंगे पौधा नहीं लगने देंगे। इसी के तहत सात व्यक्ति को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की गई है। तो सर लेकिन आप लोग तो रोड भी रोक लगा दिए रोड पर। रोड रोड पर कहीं कोई रोक नहीं है। रोड कहीं रुकता थोड़ी है। रोड के तो आने जाने के लिए रास्ता मिलता ही है। हाँ तो ट्रेन से रास्ता दिया गया है। ट्रेन तो काट जो अनलीगल ढंग से कहीं झोपड़ी झापड़ी बना दिया है तो उसको तो झोपड़ी हटाना ना होगा। वो तो उद्देश्य है उसका गलत है तो उसको रास्ता दे करके अब हम लीगली नहीं ना बनाएंगे। और कोई बात नहीं है। ऐसी जो भी कार्रवाई हुआ सब लीगल ढंग से हुआ। सात को अब वो अवैध कब्जा कर रहा था वनभूमि को अवैध। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।